करेंगे आज की क्लास को अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं? सेंटिलीज, ओंगे, जारवा, शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। शोम्पेन, जारवा, सेंटिलीज, ओंगे ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अगर आप लोग देते हैं एग्जाम वो पता होगा जनजातियाँ, तो ये देखेंगे बार बार पूछा हुआ है। तमिलनाडु में है टोडा, कोटा, कनीकरण, कुरुम्बा। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनीकरण, टोडा और कोटा। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत चोटी पर। नीलगिरी पर्वत चोटी पर टोडा का निवास स्थान है। टोडा कोटा, कोटा के नाम से राजस्थान पर नहीं जाना है। कोटा जनजाति भी तमिलनाडु में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश की जनजातियों की अगर बात की जाए तो चेंचू, कोया, गडाबा, लंबाड़ा, सवारा, येनाडी जनजातियाँ हैं। लंबाड़ा और चेंचू काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। चेंचू और लंबाड़ा जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तेलंगाना में भी कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया और गडाबा। आंध्र प्रदेश से कटकर ही तेलंगाना बना है, इसलिए ये जनजातियाँ यहाँ पर भी पाई जाती हैं। पंजाब में पाई जाने वाली जनजाति है सांसी। केरल के अंतर्गत मलियन, पुलिया, कुरुमनर, उराली और कादर जनजातियाँ कहाँ पर हैं? केरल में। कर्नाटक में पारधी, यारावा, नेकदा। गुजरात के अंतर्गत भील, चारण, कोली। भील जनजाति पूछी जाती है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसके बाद में गोंड का स्थान आता है। महाराष्ट्र में है भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। वर्ली जनजाति काफ़ी बार पूछी हुई है कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना महाराष्ट्र में। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली और डमोर जनजाति राजस्थान में है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर। गुज्जर और गद्दी काफ़ी बार पूछा हुआ है, याद रखना गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर की जनजातियों की बात करेंगे तो बकरवाल और गुज्जर ये मुस्लिम जनजाति है। गद्दी और चांगपा यहाँ पर पाई जाती है। चांगपा जनजाति कश्मीर में, बकरवाल जनजाति गुज्जर और गद्दी। गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश होता है और ये हिमाचल प्रदेश की ही मुख्य जनजाति है गद्दी। लद्दाख की बात करेंगे तो बाल्टी, बेटा, बोट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार, शिन, गर्रा, सोम और पुरिगपा जनजातियाँ लद्दाख में है। भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और थारू जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे उड़ीसा की जनजाति के बारे में तो मुंडा, खरिया काफ़ी बार पूछी हुई है। भूमिज, संथाल, हो, कोल, उरा और सवर जनजाति कहाँ पर है? उड़ीसा में। उरा भी बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखना उरा और मुंडा जनजाति भूमिज, खरिया उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड में है संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुया, असुर जनजाति और एक जनजाति और है झारखंड की तमरिया। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, आरओ के एग्जाम में भी इसको पूछा हुआ है, तो याद रखना अलग से नोट कर लीजिए तमरिया जनजाति झारखंड में है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुहिया, बैगा, कोल और कमार जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड और अबू झमारिया कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी और मिकिर जनजाति मेघालय में मिलती है, इम्पोर्टेंट है मेघालय में। फिर से देख लीजिए गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर कहाँ पर मिलेगी? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में ये पहाड़ी भी हो, खासी जनजाति खासी पहाड़ी के अंतर्गत ही मौसिनराम में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश इसके अंतर्गत होती है। मणिपुर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मणिपुर में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, तो यहाँ की जनजाति पूछी जा सकती है। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है कुकी और मैडी। फिर से देख लीजिए कुकी और मैडी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। नागालैंड में नागा और कछारी जनजाति, मिजोरम में हजोंग, पावी, मिजो। फिर से बोलिए मिजोरम में हजोंग, पावी और मिजो जनजाति मिजोरम में। त्रिपुरा में हलाम, रियांग और त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मुम्बा, खाम्बा, आपातानी, ये इस पर टिक कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। आपातानी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मिशमी, सिंगपो और अबूर जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। देखिए गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में भी पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति असम में भी पाई जाती है और कार्बी, कुकी, बोडो कहाँ पर है? ये असम में। लेकिन मिकिर कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में।
आगे चलेंगे पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संताल, लेपचा। लेपचा सिक्किम में ही पाई जाती है, ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो भी अगर दोनों रहेगा तो आप लोग सिक्किम के साथ जाइएगा। लेपचा और भूटिया जनजाति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार याद रखना सिक्किम में पाई जाती है लेपचा भूटिया। मणिपुर याद रख ली, याद रखना है इस बार इम्पोर्टेंट है, कुकी और मेडी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और ये लद्दाख में पाई जाने वाली जनजाति इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। गद्दी जनजाति काफ़ी बार पूछी गई है, इस पर टिक करिएगा। आगे है ये अंडमान निकोबार की जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। और टोडा जनजाति भी काफ़ी बार पूछी गई है, पूछा जाता है टोडा जनजाति का निवास स्थान कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी। और ये पूछा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो याद रखना है थारू जनजाति मनाती है। आज ये हमारा टॉपिक हो जाता है।